चैप्टर 7 का हमने 2 लेक्चर बना लिया है क्लास 6 के मैथ का। ठीक है, देखिए कहाँ तक हमने बनाया है, अब कहाँ तक हमने पढ़ा है इसको। 7.1 हमने क्लियर कर लिया है, पढ़ा दिया हमने। फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिया। यहाँ से शुरू करना है बताना। ठीक, चलिए, यह है प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। यू हैव नाउ लर्न हाउ टू लोकेट फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक आपने पीछे के 2 लेक्चरों में, दूसरा लेक्चर था उसमें आपने नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे लोकेट करते हैं ये हमने। लोकेशन द फ्रैक्शन, लोकेट द फ्रैक्शन 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8 ऑन सेपरेट नंबर लाइन। इस सेपरेट नंबर लाइन पे 3/4 को लोकेट करना है, 1/2 को करना है, 9/10 को करना है, 0/3 को करना है और 5/8 को करना है। ठीक, इसको करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम 3/4 को करते हैं। यहाँ से पेन को लेते हैं, रेड पेन लेते हैं, 3/4 को करते हैं। ये मान लीजिए पॉजिटिव में है 0। ठीक, 3/4 को करना है। ये हो गया आपको 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये टोटल 4 लाइन हो गए। ठीक है, ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4, ये कट के 1 हो जाएगा। 3/4 ये हो गया, लोकेट कर दिया। चलिए अब दूसरे को करते हैं, 1/2 को करना है। ठीक, 1/2 को करना है। तो 1/2 करने के लिए देखिए फिर से एक नंबर लाइन, ये 0 हो गया, पॉजिटिव है तो राइट में ही जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 1 और 2, ये हो गया 1/2, ये 2/2, 2/2 कट के ये 1 हो गया। तो 1/2 ये दोनों के बीच में हो गया, ये हो गया 1/2। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, अभी मैं ऐसे पूरी क्लास 6 to 10th तक का मैथ का लेके आऊँगा। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अब 9/10 है, 9/10 है। ठीक, इसको भी करते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन, ये 0 हो गया, ये 9/10 जो लास्ट वाला जो है ना, जैसे कि ये नीचे वाला जो अंक है 10 है, ये 10 है, इसको हमें उतनी लाइन हमें खींचनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये नीचे वाला जो नंबर है, नीचे का नंबर लिखे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, ये 9/10। ये वाला नंबर 9/10 हो गया, ये 10/10 हो गया, कट के 1 हो गया। तो 5/10 मतलब कि ये आधा हो गया, देखिए बीच में आ रहा है दोनों के बीच में। 5/10 मतलब कि इसको काटेंगे हम लोग तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब जितना भी नंबर लाइन पे हम डिनोट कर रहे हैं वो सब 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं फिर से। 0/3 है, 0/3 है, नीचे जो है नीचे के अंक कितना है, 3 है, नीचे के अंक 3 है, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, ये 1/3 हो गया, 1 के पहले क्या आता है 0, 0/3 यही होगा, 0/3 इक्वल टू 0 होता है। ये 2/3 हो गया, ये 3/3 हो गया, कट के 1 हो गया। ठीक, चलिए 0/3 को भी डिनोट करते हैं। 0/3 का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक, 0/3 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। नंबर लाइन पे आपने समझ लिया है, एक बार फिर मैं आपको 0/3 का वैल्यू 0 कैसे होगा वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, नीचे कितना अंक है, 3 है, तो 1, 2, 3 कर दिया। जैसे शुरू करते थे तो 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, 3/3 हो गया, ये कट के तो 1 हो गया। अब 1 के पहले क्या आता है, 0, 0/3 यही होगा, तो 0/3 की वैल्यू कितना है, ये 0 है, तो इसी प्रकार 0/3 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए 5/8 को हमें करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नीचे कितने अंक हैं, अभी इसको नीचे बोल रहे हैं, अभी इसका इस चैप्टर इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे किसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी मैं आपको बस ऊपर नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 5/8 है, ये हो गया 0, 8, 8 लाइन खींचने, 1, 1, 1, 2, 3, सॉरी ये हैंग हो गया, एक सेकेंड भाई, ये हो गया आपका 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1/8,
टू बाई एट, थ्री बाई एट, फोर बाई एट, फाइव बाई एट, ऊपर लिखता हूँ सिक्स बाई एट, ये हो गया सेवन बाई एट, ये एट बाई एट कट के वन हो गया। फाइव बाई एट कहाँ है, ये रहा फाइव बाई एट, फाइव बाई एट हो गया। फोर बाई एट ये है जो इसको काटेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। फोर बाई एट जो है जीरो और एक के बीच में बीचों बीच आएगा, ठीक। ये आपने समझ लिया, इसको सेलेक्ट हो रहा है। चलिए इसको तो हमने ये पीछे के भी लेक्चर में हमने बता दिया, जो पार्ट टू था चैप्टर सेवन का मैथ का क्लास सिक्स के पीछे के भी लेक्चर में हमने इसको बताया है, तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। डज एनी वन ऑफ द फ्रैक्शन लाई बियॉन्ड वन, अपने जो ये जो पांच फ्रैक्शन है इसको अपने बनाया, कोई भी ये पूछ रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन जो है पाँचों में से ये एक से बाहर जा रहा था, एक से बड़ी थी नहीं थी, सब क्या थी एक से छोटी थी, जितने भी डिजिट थे सब जितने भी फ्रैक्शन से एक से छोटी थी, ठीक है। अब देखिए, ऑल दिस फ्रैक्शन लाई टू द लेफ्ट ऑफ वन एज दे आर लेस देन वन, ऑल दिस फ्रैक्शन लाई टू द लेफ्ट, जैसे कि नंबर लाइन में बताया था जो भी संख्या ये जीरो होगा, जीरो के लेफ्ट में जो भी संख्या आएगी माइनस में जाएगी तो वो जीरो से छोटी होगी, कोई भी जैसे ये दो हो गया ये एक हो गया, दो एक के लेफ्ट में है तो मतलब दो एक से कम है। उसी प्रकार जितने भी हमने रिप्रेजेंट किए थे इस नंबर को वो वन वन से सब लेफ्ट में ही आ रहे थे फ्रैक्शन जो थे, तो इसलिए ये जो थी क्या थी एक से छोटी थी, ये हो गए आपके। इसी बात को ये बताने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी नंबर लाइन पे कोई संख्या किसी संख्या के लेफ्ट में है तो वो संख्या उस संख्या से क्या है छोटी है, जैसे कि एक क्या हो गया एक के लेफ्ट में क्या होगा आधा होगा, तो आधा क्या होगा एक से छोटा होगा। एक के लेफ्ट में क्या आता है जीरो आता है, जीरो क्या है एक से छोटा है, जीरो से लेफ्ट में क्या आता है माइनस वन आता है, माइनस वन क्या है जीरो से छोटा है, तो कोई भी संख्या। अब देखिए, इनफैक्ट ऑल द फ्रैक्शन वी हैव लर्न सो फार आर लेस देन वन, अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं वो क्या है एक से कम ही है, दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन एक से कम है, जो फ्रैक्शन एक से कम है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है जो एक से कम है, ठीक। ए प्रॉपर फ्रैक्शन एज फरीदा सेड इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, जैसे कि कोई पार्ट है आठ एट एट पार्ट है उसको दो भाग में बांट देना, ठीक, तो वन बाई फोर, तो वन बाई फोर्थ पार्ट सबको मिलेंगे, दो मतलब एक एक भाग चार लोगों में बांटेंगे तो एक एक भाग मिलेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके प्रॉपर फ्रैक्शन जो एक से कम होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किससे बोलेंगे, ए फ्रैक्शन विच आर लेस देन वन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पहचानेंगे कैसे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, आपको तो पता नहीं चलेगा फ्रैक्शन में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, क्योंकि उसको आपको पहचानना भी तो है ना, कि मान लो क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब क्या कीजिएगा, आपको तो आइडिया नहीं है कैसे पहचानेंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखिए, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड। अब देखिए, डिनोमिनेटर आ गया, ये आपके नया वर्ड हो गया, डिनोमिनेटर जो है ये आपके लिए नया वर्ड हो गया, और यहाँ पर नीचे नोमिनेटर भी है, ठीक है। अब देखिए, डिनोमिनेटर होल फ्रैक्शन, मान लीजिए डिनोमिनेटर एट है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। नंबर ऑफ इनटू विच द होल डिवाइडेड एंड द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स विच हैव बीन कंसीडर्ड, देयरफॉर ए प्रॉपर फ्रैक्शन नोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, नोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा। तो ये होगा नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला मान लो कि पाँच है, ये नोमिनेटर, ये क्या है फाइव बाई एट जो है वन से छोटा, फाइव बाई एट जो है वन से छोटा है, तो फाइव नोमिनेटर है एट डिनोमिनेटर है, ये एक से कम है, तो डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर से बड़ा होगा। एक बार फिर से याद करता हूँ, ए फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द नोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक। इसे और दो तीन एग्जांपल आप बताइए, मन में सोचिए आप लोग, एक बटा दो ठीक है, तीन बटा चार ठीक है, पाँच बटा आठ ठीक है, चार बटा तीन है कि नहीं, नहीं है, चार बटा तीन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर छोटा है नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, ठीक है। अब कैसे याद कीजिएगा, ये बहुत भूल जाते हैं बच्चे कि ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं कि नीचे वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, ठीक है।
हिंदी में तो याद कर ले, हिंदी का मैंने आपको पीछे भी बताया था। देखिए हिंदी के बताता हूँ मैं आपको, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हल आप लोग जहाँ तक सुने होंगे, क्लासिक्स में आ गए आप लोग, हल सुने होंगे, हल जिसे खेत को जोता जाता है। अब तो ट्रैक्टर आ गए, पहले बैल दुबैल बैल होती थी, उसके हल से जोता जाता था, अब ट्रैक्टर आ गए हैं तो हल से हर आया है। हल हर नीचे चलता है, खेत में चलता है, इसलिए हर नीचे है, अंश ऊपर है। ठीक है, ये तो इंग्लिश के याद, हिंदी के याद कराने को बता दिया, अंश बटा हर। ठीक है, अब इसी को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैसे, नोमिनेटर हो गया ऊपर वाला, डिनोमिनेटर हो गया नीचे वाला, प्रॉपर फैशन को किसको बोलेंगे, जो एक से क्या हो बताओ, एक से छोटा हो, इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर उसका नोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक, उसी को प्रॉपर फैक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, चलो ठीक है। अब इसको हम, मैंने बोला था कि इसको याद कैसे करेंगे, कि ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। सोचो सोचो सोचो, देखो ऊपर क्या होता है, बड़े लोग होते हैं, ऐसे तो कोई सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं, ऐसे कोई भी लोग बड़े छोटे नहीं होते, मतलब याद करने को था ऊपर क्या था, बड़े लोग। तो डी जो है, जो डी का पोजीशन जो है एन से क्या है, कम है, तो डी जो है नीचे आया है। एन क्या है, ए बी सी डी में देखो, ए बी सी डी में, ए बी सी डी ये चार चौथे नंबर पे आ रहा है, एन कितने नंबर पे आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ए बी सी डी ई ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन 19 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो 19 जो है इससे चार से बड़ा, तो ऊपर क्या रहेगा, एन बड़ा रहेगा, डी छोटा रहेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये याद करने के लिए बताया हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बस याद करने का ट्रिक बताया हूँ, किसको ऊपर वाले का नोटर क्यों बोलते हैं, नीचे वाले का डिनोमिनेटर क्यों बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जो एक से कम हो, जिसकी वैल्यू एक से कम हो, मतलब जिसका डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा हो, जो नीचे वाला जो अंक है वो ऊपर वाले अंक से बड़ा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए ट्राई दिस, अब ये वाला पढ़ रहे हैं, ट्राई दिस। ठीक है, गिव ए प्रॉपर फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज 5 एंड डोमिनेटर इज 7। नोमिनेटर ऊपर तो 5, डोमिनेटर नीचे वाला 7, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डोमिनेटर ज़्यादा है नोमिनेटर से। ठीक, ये हो गया पहला हो गया, और एक से कम भी है ये, हुज डिनोमिनेटर इज 9 एंड नोमिनेटर इज 5। देखो उल्टा करने के लिए कितना दिमाग लगा है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो डिनोमिनेटर कितना है 9 है, नोमिनेटर कितना है 5 है, 5 बाई 9, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से। ठीक, चलिए ये भी हो गया आपका। अब हुज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 10 हाउ मनी, ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर, अब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो मतलब कि क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, शुरू से करते हैं, 10 करते हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, इतने बने हैं। ठीक है, इसमें है क्या है कि डोमिनेटर सबके क्या हैं, सॉरी 10-10 हमने बनाया, ये गलत मैंने बताया आप लोगों को, सॉरी इसके लिए, इसके लिए मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे फ्रैक्शन बताने हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं तो 10 आता है, उस प्रकार का बनाना है। ये मैंने नीचे नीचे बस 10 कर दिया, ये बहुत मेरा मैंने गलती कर दी। ठीक है, ऐसे दो अंक बताने हैं, ऐसे फ्रैक्शन बताना है, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए जिसके दोनों जोड़ने पर कितना है 10 है। 3/7 कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 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 बड़ा है। ठीक है ठीक है ठीक है, 1/9 कर सकते हैं, 9 × 10 हो गया, 2/8 कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सब में क्या है, जोड़ने पर 8 × 2 = 10, 9 × 1 = 10, 3 × 7 = 10, अर्थ क्या है, ये बड़ा भी है। ठीक है, और 4/6 कर सकते हैं, 5/5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बराबर हो जा रहा है, ये एक हो जा रहा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। एक क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कैसे, ये फ्रैक्शन ही नहीं है। ठीक है,
चलिए कितने बना सकते हैं हम, अब उसके बजाते हैं तो 6/5, 6/5, 6/4, 6/4 करते हैं तो जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन क्या है नीचे डिनोमिनेटर जो है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जा रहा है नोमिनेटर से। तो कितने अंक बना सकते हैं हम लोग, 5 फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक, कौन कौन फ्रैक्शन बना सकते हैं, शुरू से 1/9 बना सकते हैं, 2/8 बना सकते हैं, 3/7 बना सकते हैं, 4/6 बना सकते हैं, बस इतना ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको काट के और बना सकते हैं, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, वैल्यू दोनों की बराबर हो जाएगी। इसको आगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ेंगे ये कैसे इसको काटा जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं पहचानेंगे, कैसे पहचाना जाता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आगे के लेक्चर में है वो सब। अभी आप प्रॉपर फ्रैक्शन पे फोकस कीजिए बस। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एक बड़ी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो गए जो किसी वैल्यू 1 से कम है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को पता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमिनेटर से। इसी केस में अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमिनेटर से, उसी केस में ही वही एक केस बनता है कि उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब है डी नंबर क्वेश्चन है, हुज डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन द नोमिनेटर। ऐसा करना है कि जिसके न्यूमिनेटर जो है, जिसके डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है, गिव एनी फाइव, जैसे कि 4 ज़्यादा तो 1 हम ऊपर लिखते हैं, तो नीचे न्यूमिनेटर ज़्यादा लिखते हैं तो 4 ज़्यादा तो 5/5, 2 हो जाएगा 6, 3 तो हो जाएगा 5 ज़्यादा 4 ज़्यादा 7 हो जाएगा, 4 ये 8 हो जाएगा, 5 तो ये हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3, 4, 5 हो गया। कितना बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं, कोई भी संख्या लेंगे उसमें 4 जोड़ देंगे, इसे अनंत इन्फिनिटिव कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को। ठीक है, इन्फिनिटिव, वी कैन मेक इन्फिनिटिव फ्रैक्शन बाई एडिंग 4 ऑन नोमिनेटर, नोमिनेटर विल गेट 4 ग्रेटर देन द नोमिनेटर, सो इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, मैं याद करा दूँगा। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसमें नोमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, मैं घुमा दिया हूँ, डिनोमिनेटर बड़ा होगा नोमिनेटर से। ठीक है, अब देखिए, ए फ्रैक्शन इज गिवन, हाउ विल यू डिसाइड बाई जस्ट लुकिंग एट ई वेदर फ्रैक्शन इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। चाहिए, ये भी सही है क्वेश्चन। अगर फ्रैक्शन को देखते हुए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो 1 से ज़्यादा है या 1 से छोटा है। देखो, जिसका डिनोमिनेटर जैसे 3/5, जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो वो 1 से छोटा होगा। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो समझो कि वो क्या होगा, सिंपल याद रखो, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मतलब 1 से कम उसकी वैल्यू है, तो मतलब कि 1 से कम वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा नोमिनेटर से। ठीक है, यही लिखना है, वी कैन से दैट द फ्रैक्शन इज लेस देन 1 बाई ओनली लुकिंग इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा नोमिनेटर से तो वो ठीक है। द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, अगर देखो इक्वल टू 1, अगर दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अंक बराबर है तो वो 1 के बराबर है, जैसे कि 2/2, 3/3, 4/4, ये 1 है। ठीक है, काट देंगे इसको तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे तो वो फ्रैक्शन 1 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। चलिए अब दूसरे लेक्चर में इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। 2 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, 3 प्रकार के मान लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना देखो, ये इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन झूठ मूठ का बढ़ाया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो गए, मैं थोड़ा सा बस इसमें वो देता हूँ आपको, मतलब कि इंट्रोडक्शन टाइप का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे के लेक्चर में प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच, बाय।